What's up guys? आज हम देखने वाले हैं All Eyes on KL Rahul. गिल का सारा काम खराब, बबरी अपने घर में जलील. अरे भैया क्या हो गया है? तो खबरों से भरपूर होगी एबी क्रिकेट इन्फो चैनल से वीडियो. चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक. 1 2 3 गो. ओ पाई जान बबरी फिर कूद गई घर में. क्या देख रहा है भाई? अब तो मैच भी नहीं था, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच कर खोलो, ढील मत दिया करो. नमस्कार भाई जान, एक बात आप लोगों से करनी थी. नहीं, थंबनेल टाइटल से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, ओके भाई जान. मेरी बबरो अपने ही घर में खोदी जा रही है, दिन रात जलील की जा रही है मेरी बबरो. तू ही तू खाबो नहीं है ना दूजा कोई, और जुबां पर आज दिल की बात आ गई. क्यों भाई लोगों बिहेव? तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा उस्ताद जी मैंने कोई, आज दिल की बात आ गई. खींच कर रखो मीटर. माननीय आदरणीय अनुकरणीय श्री श्री केस एडम किरणकिस भरत जी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये पारी खेली है भाई लोगों. पूरा का पूरा जान झोंक दी थी फील्डिंग में भी, तब जाके बात बनी है. थोड़ी सी नहीं तो काम खराब हो जाता है सारा का सारा. हालांकि वो तो किसी और का काम खराब हुआ है, लेकिन भाई मेरा राहुलिया दामाद जी अभी भी नॉट आउट है. उम्मीद करते हैं दामाद जी बहुत बड़ा स्कोर करेंगे. मेरा कोटिया जीतेगा कि नहीं जीतेगा, मुशीर ने कोई कसर छोड़ी नहीं है. उधर इंग्लैंड ये पागल हो रखे हैं, उधर टुल्ला जीरो पे निपट गया. अबे कितनी सारी खबरें हैं, पर इंडियन गवर्नमेंट ने भी तो कह दिया पाकिस्तान को भाग भाग पाकिस्तान. समझ गया ना तुम? जल्दी जल्दी आ जाओ मीटर. 1 2 3 स्टार्ट. बबरी बदनाम हुई डार्लिंग पता नहीं किसके लिए, मेबरी बबरी के होठ गुलाबी नहीं होठ गले हुए, नैन भेंगे टांगे ऊंची नीची, मेरी बबरो आइटम बाम हुई पता नहीं किसके लिए. मेरी बबरो को खोदा जा रहा है डे बाय डे, रोज खोदा जा रहा है. मेरी बबरों को घर में जलील किया जा रहा है, ये क्या बात हुई? पहले एबी क्रिक इन्फो जलील करता था पाकिस्तान की, खुद की मैनेजमेंट, खुद की पीसीबी, पजामा क्रिकेट बोर्ड भी उसको जलील कर रहा है. ये मैं सहन नहीं करूंगा भाई लोगों. मैं यहां बता देना चाहता हूं, अगर बबरी को इसी तरीके से रोज की रोज जलील किया गया, मैं भैंस की यहां कसम खा के कह रहा हूं स्वाद ही आ जाता है यार भाई यार. मतलब बबरों को भाई कप्तान ही नहीं बनाया. नहीं, थंबनेल टाइटल पे क्या क्या डालूं? अबे इतना रायता फैला हुआ है कि क्या क्या लिखूं, क्या क्या दिखाऊं. तो भाई लोगों ये मत समझना कि थंबनेल और टाइटल पे पाकिस्तान का कुछ लिखा नहीं तो इसका मतलब जलील नहीं होंगे. ये 100% जलील होंगे. लेट्स लाफ मोमेंट थोड़ी देर के बाद पेश करूंगा, अभी के लिए इतना ही बहुत है. जल्दी जल्दी आ जाओ मीटर, खींच के रखो, ढील देनी नहीं है. 3 घंटे का लाइव होगा. जो नए लोग हैं उनके लिए बता देता हूं, पहला 1 घंटा मेरा, दूसरा 1 घंटा हमारे सुपर चैट वाले भाइयों का, और तीसरा 1 घंटा भाई जितने भी नॉर्मल मैसेज होते हैं सारे के सारे छान दूंगा, वैसे जैसे चाय छानी जाती है कप में डालने से पहले. समझ में आ रही है फीलिंग? देख रहे हो तुम? और आज इतना कुछ हुआ है डोमेस्टिक में, और वो उधर टुल्ला आउट हो गया जीरो पे. हाँ, आज निशा के लिए तो भाई साहब मरण का दिन है भाई, कसम से आज निशा ने तो भाई रोटी नहीं खाई होगी. ट्रेविस टुल्ला जलते हो अभी कौन जलता है. मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई, एक प्लेयर अगर इतना रिस्की क्रिकेट खेलेगा तो भाई जीरो पे भी आउट हो सकता है. इसमें क्या है? हाँ, टुल्ला गिरी लेकिन बहुत अच्छी लगती है मुझे उसकी, ये बात बिल्कुल ठीक है. भाई लोगों बबरी को कप्तान नहीं बनाया यार, मतलब 5 टीमें अनाउंस की हैं, 5 टीमों में भी कप्तान नहीं है मेरी बबरो. कौन सी टीम बनाई लेकिन डोमेस्टिक क्या? अगर 15-15 का भी स्कोर है तो भैंस की आंख 15-75, हालांकि इनके 150 बंदे हैं, मतलब 150 प्लेयरों में भी मेरी बबरो कप्तान डिजर्व नहीं कर रही है. हद हो गई यार. मतलब मैं तो कह रहा था पाकिस्तान का कप्तान बना दो, अब उसको बना देंगे ये जो वो धर्म प्रचारक है जो इनका वो व्हाइट पजामा, उसको बना देंगे कप्तान. यार ऐसे थोड़ी होता है भाई. चलो उस पे अपन बाद में आएंगे, पहले अपन भाई अपना इंडिया ए और इंडिया बी के मैच पे आते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग मैच खेला गया है, मैच तो और भी बहुत सारे हो रहे हैं. सबसे पहले मैं ये देख लूं जो रूट आउट हुआ कि नहीं हुआ. हे बाबा भगवान का लाख लाख शुक्र. सॉरी इशारा थोड़ा गलत हो गया था, मतलब मैं कैमरे में आ रहा था. भगवान का लाख लाख शुक्र है भाइयों, जो रूट आउट हो गया. गाइज एक बार तालियां बजा दो. देखो भाई पता क्या है यार, देखो दिल से चाहता हूं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ना टूटे, सचिन पाजी का रिकॉर्ड ना टूटे, दिल से चाहता हूं. लेकिन अगर कोई तोड़े तो यार इंडियन तोड़े. लेकिन यार वो बहुत नजदीक है भाई यार, ये बात तो माननी पड़ेगी. लेकिन ये भाई ये चमत्कारी हुआ है, ठीक है. 13 रनों पर निपट गया है और ओली पॉप खेल रहा है 84 पे, ठीक है. इस पर अपन साथ के साथ बात करते रहेंगे. और उधर भाई ऑस्ट्रेलिया ने किया है 196 4 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवरों में. स्कॉटलैंड 110 पे 5 है 13.5 ओवरों के बाद, तो उनका रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 13.5 के आसपास का है. तो उस पर भी साथ के साथ देख लेंगे कहाँ जीतेंगे यार वो. मतलब अभी अभी उनका 2 नए बैट्समैन खड़े हैं क्रीज पे, तो वो भी नहीं हो पाएगा. चलो भाई लोगों इंडिया ए और इंडिया बी पे आ जाओ सबसे पहले, तो ठीक है. इंडिया ए और इंडिया बी पे आ जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट मैच है इस टाइम पे. राहुल नॉट आउट है,
अब तो आउट हो गया वो, रनों पे 80 बॉल खेली है, मतलब पूरा रिस्पेक्ट दिया है, पूरा टाइम लेके खेला 111 कुछ बॉल। और एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है मेंशन करने वाली, मुशीर ने जो पारी खेल दी है, मुशीर ने जो बैटिंग कर दी है, जो पारी खेल दी है नवदीप सैनी ने, यकीन करो ये दोनों मेला लूट के ले गए हैं। अब कोई कितनी ही अच्छी पारी खेल ले, एक तो सबसे पहले प्रेशर ये डल गया, जैसे कि शुभमन गिल जाता है बैटिंग करने या कोई और जाता है ना, तो सबसे पहले प्रेशर ये है कि यार नवदीप सैनी वाला स्कोर भी करेंगे कि नहीं करेंगे, उस प्रेशर में निपट रहे हैं कुछ तो। और अगर किसी ने मान लो उससे ऊपर कर लिया, मान लेते हैं उससे ऊपर कर लिया, फिर ये हो जाता है कि यार देखो मेला तो लूटा है यहाँ पे मुशीर ने, या तो कोई दोहरा सैकड़ा बना दे तब बात होगी, नहीं तो भाई सारा मामला फीका ही फीका, सारा का सारा काम खराब ही चल रहा है इस टाइम पे। उधर दूसरी तरफ टीम सी और टीम डी में यार एक चीज तो है भाई, और जिसको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है इंटरेस्टिंग है वो तालियां बजा देना यार, देखो जो मर्जी को मैच हो बड़े इंटरेस्टिंग रहे दोनों के दोनों। दोनों मैचेस में जो कॉमन चीज है वो ये है कि टेल अटकी है, और जिस टीम की टेल लड़ाई करना जानती है या कर सकती है, जानती तो सारी है, ये तो मोहम्मद कैफ वाली लाइन हो गई, जिस टीम की टेल अगर लड़ाई कर सकती है ना वो टीम यार भाई, मतलब वो बड़ी सही टीम है यार, मतलब मजा आता है उसको देख के। वहां पे भी यही हुआ, 8 आउट हो गए थे, एक बार लगा कि अय्यर की टीम शायद लीड ले जाएगी, लेकिन वो फिर क्या हुआ, बाबा वहां बाबा जी खड़े हो गए, बाबा इंद्रजीत खड़ा हो गया वहां वही पारी खेली उस बंदे ने, और उसका ना बड़ा अच्छा एवरेज है यार उसका, कभी 70 का एवरेज होता है डोमेस्टिक में, कभी 80 का, कभी 90 का, ऐसा एवरेज होता है उस बंदे का, ठीक है। अरे दूर हो जा, क्यों बाबर वाली हरकतें कर रहा है, हाँ तो ऐसी एवरेज है भाई उसकी। वो 30 रनों तक 31 रनों तक बहुत स्लो खेला, मतलब सैनी ने 100 बोले खेली थी, 102 बोले खेली थी, सैनी 41 पे था 40 पे था, और वहां मैंने दूसरे मैच में कंपैरिजन करा, मैंने कहा यार बाबा जी तो और भी ज्यादा स्लो खेल रहे हैं, वो भाई खेल रहा था 31-32 रन पे। फिर उसके बाद उसने मीटर खींचा और लगभग उसने अक्षर पटेल वाली पारी खेली है, तो उस पर बाद में चलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहे हैं। देखो 4-4 दिन के गेम है और 2-2 दिन खत्म हो गए हैं दोनों मैचों के, अब कौन सा मैच, देखो राहुल कुछ लोगों का यहाँ मानना है, मुझे मालूम है मेरा राहुल या चाहे बेचारा अपनी, मतलब वो चाहे अपने शरीर का अंग क्यों ना काट के इनके चरणों में पेश कर दे, लेकिन उसकी तारीफ करते हुए ना सब लोगों के भाई गले में दर्द होती है, बहुत अच्छी पारी खेली है। मैं कहीं और कहना चाह रहा था पर गला ही समझ लो तुम, मतलब अब पता क्या कह रहे हैं लोग, ये तो ड्रॉ करवा देगा, भाई आउट हो जाता फिर नल्ले तो थे ही अपन, मेरे राहुलिया को इज्जत मिलेगी तो कैसे मिलेगी यार, ये नहीं समझ में आ रहा है उसको, खेलने दो। मैं तो थोड़ी सी इस करके भाई की चिंता करता हूँ क्योंकि शेट्टी साहब के साथ अपना प्यार है थोड़ा सा, और कोई दिक्कत नहीं, जब शेट्टी साहब ने डायलॉग मारा था ना धरती माता मेरी माँ है टाइप, बस उस दिन से अपन भाई बिखर गए थे उस आदमी के साथ, और वो बंदा जिस तरीके से वो लेके गया था ना पाकिस्तान, मेरा तो दिल वही जीत लिया था उस दिन, मेरी नजर में तो आज की डेट में वही बंदा लगता, मैंने कहा यही कलेश खत्म करेगा जिस दिन करेगा पाकिस्तान का, ऐसा मेरे को लगता है यार। चलो जी सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई टीम ए और टीम बी की, जल्दी जल्दी काम करना है, ठीक है। देखो दिन का शुरुआत हुई, सबको पता है कि 108 रनों की ओपनिंग, 108 रनों की पार्टनरशिप हो रखी थी ऑलरेडी मुशीर की और नवदीप सैनी की, तो भाई उससे आगे उन लोगों ने खेलना चालू किया। मेरे को यह था कि अगर मुशीर करता है 140-145 तब जाके ये टीम 260-265 तक जाएगी। यार टीम बी ने जो कि अभिमन्यु ईश्वरन की टीम है जिसमें यशस्वी जायसवाल है, सरफराज है, पंत है, वहां पे बाकी सारे सुपरस्टार फेल हो गए। मुशीर ने किया 181, 181 रन किया और वो कुलदीप के हत्थे चढ़ गया भाई, हालांकि उसने आउट होने से पहले बड़ा जबरदस्त छक्का दिया था, वो जाके ऊपर लगी थी, हाँ वहां एबी डिविलियर्स ने बड़ी बार टपा रखी है बॉल, बाहर ही निकाल रखी है बहुत बार, खैर वहां कईयों ने निकाल रखी है बॉल, तो 181 रन किया भाई। और नवदीप सैनी भाई, एक होता है थोड़ी देर के लिए पेशेंस दिखाना, देखो टेल एंडर्स ना एक खासियत होती है उनके अंदर ना, एक ये चीज होती है कूद 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 मार, ये होता है उनके अंदर। इस बंदे ने कल भी इतना पेशेंस दिखाया यार, 94 रनों पे 7 आउट हो गए हैं और 8वां विकेट गिरा है जाके 299 पे, 200 प्लस की पार्टनरशिप कर दी, और इन्होंने अच्छा ऐसा लगा था कि यार 260 हो गए, 250 हो गए, 270 हो गए, अब तो मैंने कहा कूदेगा सैनी, अब कूदेगा, अब कूदेगा भाई, वो बंदा नॉट आउट ही चला गया, नॉट आउट ही चला, नवदीप सैनी नहीं, सॉरी नवदीप सैनी आउट हो गया था 56 पे, नॉट आउट गया था देश का मुकेश, सॉरी सॉरी मिस्टेक होगी, मिस्टेक होगी, देश का मुकेश नॉट आउट गया था, और देश का मुकेश जब बल्लेबाजी करने आया हंसते हुए आया था, मुस्कुराते हुए आया था, देश के मुकेश का खाता नहीं खुल पाया, बस इस चीज का अफसोस रहेगा आज बहुत ही भारी। लेकिन भाई 56 रन बनाए नवदीप सैनी ने, कमाल की पारी खेली है और पेशेंस इतना दिखाया है कि मुशीर जब आउट हो गया ना भाई, जैसे मुशीर 4 बोले खेल रहा था ना और 5वीं बॉल सैनी को दे रहा था,
फिर मुशीर आउट होने के बाद वो चार बोले खेल रहा था, फिर वो पांचवी बॉल उसको दे रहा था दूसरे को। जैसे यश दयाल आया, यश दयाल बैच बॉल खेलने की ट्राई कर रहा था, ठीक है, और किया भी उसने 6 में 10 रन भी किए, 166 का स्ट्राइक रेट है, कोई ज्यादा नहीं बोलेगा, आरसीबी का आदमी है, ठीक है, और आरसीबी के लिए खेलना चाहता है आगे भी। तो भाई ये कहानी बनी है, 321 रन किए। अच्छा फिर आती है बल्लेबाजी जिसका हम सुबह से इंतजार कर रहे थे। मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल आते हैं भाई 321 का जवाब देने, मुंह तोड़ जवाब देने आते हैं। देश के मुकेश के लिए तालियां हो जाएं एक बार। और आज चेतन शर्मा ने फिर से बहुत बार समझाया है, वो कहां समझाया है शिवानी को, मैं आता हूं उस चीज पे भी, चिंता नहीं करनी तुम लोगों, मतलब वो दूसरे मैच की कहानी है ना, टीम सी और टीम डी की, ऐसा मिक्स नहीं कर सकते हैं ब्रो, वहां का मेंटर चल रही ना। मयंक अग्रवाल इतनी अच्छी शुरुआत हो गई, बॉल्स भी खेल रही, ठीक ठाक टाइम भी ले लिया, शुभमन गिल ने भी ठीक ठाक टाइम ले लिया। एक तो शुभमन गिल को ना ये जजमेंट नहीं हो रही है, देखो ये WTC फाइनल में भी ऐसा ही हुआ था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेले थे तब भी ऐसा ही हुआ था, एक दो बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि मेरी प्रिंसो को लगता है कि बॉल बाहर की बाहर निकल जाएगी, मेरी प्रिंसो यकीन ही नहीं करती है कि कोई चीज अंदर भी आ सकती है। भाई देखो बाहर की बाहर निकल गई तो ठीक है, लेकिन अंदर आ, लेकिन अगर तो अंदर आ गई उसका क्या इलाज है अपने पास, उसका तो कोई इलाज नहीं है भाई। नवदीप सैनी ने पहले तो 56 रन बनाए, वो बंदा दो दिन तक बल्लेबाजी करता रहा, पहले दिन भी बैटिंग करी, दूसरे दिन भी बैटिंग करी, फिर उसने इन दोनों को नहीं खड़े होने दिया, पहले उसने बोल्ड मारा नवदीप सैनी ने शुभमन को, 25 रन पे मेरी प्रिंसो आउट हो गई। अब लोगों का वही शोर शराबा है, शुभमन गिल फेल हो गए, अरे भाई ये लड़के ड्रॉप नहीं होंगे, ये ड्रॉप नहीं होंगे बांग्लादेश की सीरीज से, ना ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से, ना न्यूजीलैंड की सीरीज से, बीच में ये ड्रॉप नहीं होंगे यार, ये सिर्फ अपना ये कि यहाँ जो रन बना जाएगा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना सी बात, और कोई दिक्कत नहीं है, और जरूरी नहीं है जो यहाँ पे रन बना रहा है वो वहां पे जरूर बनाएगा। इस हिसाब से तो रोहित और विराट का तो खाता भी नहीं खुलेगा, क्यों भाई, अगर ये वाला लॉजिक देखा जाए तो, क्योंकि रोहित और विराट तो खेल नहीं रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है, बट हाँ ठीक है। बट मेरे को अच्छी चीज क्या लगी देख के, वो ये लगी कि जो शुभमन गिल ने ये जो 3 चौके मारे ना, ये लूप में लगा के देखने वाले चौके थे, ठीक है हो गया, मिसजज हो गया, अब क्या करें भाई, बॉल वैसे था तो अच्छा ही लेकिन खेलना चाहिए था, पर यार सच में लग नहीं रहा था इतना बॉल अंदर आ जाएगा, ये भी एक रियलिटी है, लग नहीं रहा था। मयंक अग्रवाल आउट हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत की एफर्ट के कारण। मयंक अग्रवाल ने था वो घटिया सा बाबर टाइप का शॉट था, बट यार वो कैच बहुत अच्छा पकड़ा है ऋषभ पंत, आउटस्टैंडिंग कैच बहुत अच्छा था वो। फिर आते हैं श्री श्री रियान प्रागहोणी, नंबर 3 पे आए हैं रियान प्रागहोणी, उस्ताद होनी। एक तो वो जो पिक्चर चल रही है आजकल कुछ दिन से इंटरनेट पे, तुम्हें पता ही है शुभमन गिल अनन्या पांडे वाले, वो एक ऐड था, प्रोफेशनल काम है वो तो करना ही होता है यार प्लेयर्स को, पर तुम्हें पता है ना हरामी लोग बहुत बैठे हैं फेसबुक फेस पे, फोटोशॉप पे और इधर उधर दाएं बाएं, तो वो ये कह रहे हैं कि एक ही आदमी पिच पे रहेगा, या तो पराग रहेगा या शुभमन गिल रहेगा। भाई कोई लॉजिक है इसमें, कोई लॉजिक है यार भाई, यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए यार भाई। और ये भी भाई संजोग ही है, मतलब शुभमन गिल बाहर जा रहा था, रियान प्राग अंदर आ रहा था, पता नहीं यार भाई, ये तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे इंडिया का नुकसान। भाई साहब कलाकार तो बैठे हुए हैं, कहीं की खबर, उन्होंने वो डॉक्टर बीट्स बाय डॉक्टर ड्री को प्रमोट किया था उनका, वो एक तरह से वो क्या कहते हैं वो उन पार्टनरशिप प्रमोशन ऐड थी वो, लो भाई साहब कलाकार देख रहा है रियान क्या हो रहा है, तब नहीं शुरू कर दिया था जब हार्दिक और वो अनन्या पांडे जब डांस कर रहे थे दिल्ली ट्रॉफी का। मैं कहूंगा ये टूर्नामेंट हो रहा है ये बहुत सही हो रहा है, क्योंकि जो अपने ऑलरेडी इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं उनके लिए एक वो क्या कहते हैं, क्योंकि काफी गैप हो गया था बांग्लादेश सीरीज से पहले, तो एक तो ये रमे रहेंगे और नेट प्रैक्टिस रहेगी, और डोमेस्टिक खेलने का ना बहुत फायदा होता है, क्योंकि क्रिकेट आपको इंडियन विकेट्स पर ही खेलनी है और लंबी छुट्टी हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो माहौल नहीं बन पाता, और मैच प्रैक्टिस और टूर्नामेंट वाले मैच में बहुत फर्क होता है। अगर ये मान लो ये प्रैक्टिस मैचेस खेलते उसमें उतना वो एक वो नहीं वाइब आती जो कि टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और प्लस इनको ये भी पता है ये वाले मैच टेलीकास्ट भी हो रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, न्यूज वालों की भी नजरें रहेंगी, तो भैया और जो इसमें जो वो होंगे जो चाहते हैं कि इंडिया के लिए खेलना, तो उनके लिए भी कितना वो होगा एक बहुत अच्छा मौका कि उनकी PR भी अच्छी होगी और लोग देखेंगे तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। और पिछले कुछ सालों में कहूंगा कि इंडिया में ना क्रेज आ चुका है, बहुत तगड़े लेवल पर क्रेज नहीं आया लेकिन फिर भी लोग डोमेस्टिक क्रिकेट भी इंजॉय करते हैं। एक बड़ा मेजर रोल में कहूंगा स्पॉन्सर्स का भी है, क्योंकि जैसे अब दिल्ली T20 होता है, UP T20 होता है, कर्नाटका T20 होता है, गोवा प्रीमियर लीग होते हैं, तो इस तरीके से तमिलनाडु प्रीमियर लीग हो गया, तो लोगों का भी इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि अभी जैसा अब हो गया अडानी ने स्पॉन्सर किया हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूपी वाला या फिर दिल्ली वाला भी, तो इससे क्या है एक तो क्रिकेटर्स के पास और चांस हो गया पैसा कमाने का, प्लस टेलीकास्ट होता है मैचेस तो और लोग ग्राउंड लेवल पर देख जान पाते हैं। अभी जैसे सबने देखा होगा IPL में बदोनी करके लड़का है जो लखनऊ से खेलता है, तो उसको अभी देखा होगा आपने, भाई उसने 200 मार दिए 300 मार दिए ऐसे कुछ रन मार दिए अभी इसमें T20 में,
या 160 ऐसा कुछ कुछ तगड़ी बैटिंग करी उसने, तो ऐसे फिर चीजें जब आती है ना तो मजा आता है। और क्योंकि अब लोग सब ओटीटी पर आ गए हैं तो जियो सिनेमा पे टेलीकास्ट हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर माहौल रात को बनी जाता है भाई, ब्रीफ लेके आते हैं मस्ती वाले अंदाज में, अगर जिसने मैच ना देखे हो तो वो देखो अब क्या होता है कि खबर कई बार आप देखते हो तो बोरिंग लगती है, वहीं पर आप इस अंदाज में देखते हो या हम एंटरटेनमेंट तो माहौल बन जाता है, माहौल सेट रहता है। और कई लोगों के लिए तो भाई की बातें लोरी की तरह की, सुनते सुनते हंसते हंसते सो जाओ, और उससे क्या अच्छी बात है भाई अब हंसते हंसते सो रहे हो। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।